खून नाड़ियों में चले ना कि ये नालियों में बहे। साथ समझ प्यार से कहना धन्यवाद। Peace is the need of the millennium. God knowledge is the way to attain it. A spiritual journey in true sense means becoming what one has always meant to become and always was, that is, being one with God. दुनिया के ज्ञान ना तो इंसान को भवसागर से पार कर सकते हैं और ना ही आत्मिक सुख की प्राप्ति ही करा सकते हैं। इनसे शारीरिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन परम आनंद केवल सद्गुरु सच्चिदानंद द्वारा ही मिलता है। सद्गुरु इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जिससे जीवन में उजाला ही उजाला हो जाता है। आइए समय के सद्गुरु युग निर्माता सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज को नतमस्तक होते हुए न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ समता। जून महीने की समाचार यात्रा को जुलाई महीने के इस एपिसोड में शुरू करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दिव्य वाणी, सेल्वेशन टूर्स, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात, अदर न्यूज। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, अ वेरी मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मनी इन वननेस एंड वर्ल्ड विदाउट वॉल्स। ही टॉट द लेसन ऑफ लव एंड पीस थ्रू आउट हिज लाइफ एंड प्रोवाइडेड अवेकनिंग टू एवरी ह्यूमन बींग लिविंग ऑन दिस अर्थ दैट एन आइडल सोसाइटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड ओनली बाय रियलाइजिंग गॉड। जो एक बार उनके संपर्क में आया वो उन्हीं का होकर रह गया। न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में आइए सबसे पहले सुनते हैं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य वचन। दास अक्सर कहता है, कहते हैं कि ये बड़े हौसले वाला है। अब एक वो भी हौसले वाले हैं जो दिन दिहाड़े डकैती डालते हैं, बिजी ट्रैफिक होते हुए भी वहाँ कत्ल कर देते हैं। हौसला है तभी तो कर गुजरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो हौसले जो हमारे जवान, हमारे आर्मी के, हमारे फोर्सेस के, या फिर कोई साधारण कोई गृहस्थी है, वो भी सड़क से गुजर रहा है, किसी अबला के ऊपर जुल्म देख रहा है, कोई ज्यादती देख रहा है, उसके बचाव के लिए आगे आ जाता है, वो हौसला भी है। तो दोनों हौसलों में देखें किसकी महत्ता है। उस हौसले की महत्ता है जो नेकी पे लग रही है, जो दूसरे के कल्याण में लग रही है, जो देश प्रेम के तहत लग रही है, वो हौसला मुबारक है। तो वो हौसले जो मासूमों की जानें लिए चले जा रहे हैं, गर्दन कलम करते चले जा रहे हैं, मज़हब का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, ये कौन से हौसले हैं। तो इस तरह से महापुरुष संत जन हमेशा वो पहलू ही हमारे सामने उजागर करते हैं जिनको हमने अपनाना है, जिसको हमने जीना है, और इस प्रकार से वो कदम उठाते हुए अपने इस जीवन के सफ़र को हमने सफल करना है, अपने जीवन के म्यार को हमने ऊंचा करना है। After listening to the divine words of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, now it's time to move ahead. Sadhguru rehmat aur bakshish ka bhandar hota hai. Sadhguru ki ek jhalak paane ke liye bhakt betab rehta hai. Unka sparsh aur muskurahat jeevan ke sare dukho se mukt kar deti hai. Isliye apne bhakton ko yeh sukh pahunchane hetu Sadhguru Mata Ji bhi Baba Ji ki tarah sthan sthan jaakar apne bhakton ki jholiyan khushiyon se bharti ja rahi hain. आइए देखते हैं जून महीने में हुई सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की मानव कल्याण यात्रा जून के महीने में भी जारी रही। 4 जून को सतगुरु माता जी अपने काफिले सहित उत्तराखंड के मसूरी की ओर बढ़े। गौरतलब है कि मसूरी सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज का विशेष प्रिय स्थान रहा है। वर्षों से ग्रीष्म ऋतु में इस स्थान पर देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और वर्तमान सद्गुरु माता जी की विशेष रहमतें प्राप्त होती रही हैं। इस कल्याण यात्रा की विशेषता ये थी कि ये सद्गुरु रूप में माता जी की पहली मसूरी कल्याण यात्रा थी। स्थान स्थान और कदम कदम पर सद्गुरु बाबा जी की यादों की खुशबू फैली हुई थी।
रास्ते में खड़े भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए ममतामयी सद्गुरु माता जी अपने काफिले सहित देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की ओर बढ़ चले। पड़ाव था पहाड़ों की रानी मसूरी। इसी दिन यानी 4 जून को यह सत्य का काफिला मसूरी सत्संग भवन पर पहुंचा। यहां पर सद्गुरु माता जी का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। बाबा जी की साकार रूप में गैर मौजूदगी से चारों ओर उदासी पसरी हुई थी, परंतु सद्गुरु माता जी की मीठी मुस्कान पाते ही उदासी के बादल छंटने लगे, दर्द हर्ष में बदलने लगा। अगले दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में मसूरी में वृक्षारोपण और सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के सेवादारों ने सद्गुरु माता जी के मार्गदर्शन में मसूरी के कोने कोने की सफाई की और पेड़ लगाए, जिसकी रिपोर्ट आप SNCF डायरी में देखेंगे। मसूरी में सद्गुरु माता जी के शीतल छत्र छाया में कुछ पल बिताने हेतु भक्तजन देश के कोने कोने से खींचे चले आए थे। इस कल्याण यात्रा के दौरान प्रत्येक दिन सद्गुरु माता जी आए हुए भक्तों को अपना पावन सानिध्य प्रदान करते रहे। सुबह हो या शाम, दयालु माता जी भक्तों को चरणों पर नमस्कार का अवसर प्रदान कर धन्य कर देते। मधुर मधुर बजते भक्ति भरे गीतों के बीच नमस्कार का सिलसिला देर तक चलता रहता और सद्गुरु माता जी घंटों बैठकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते रहते। इसी प्रकार सद्गुरु माता जी अक्सर सत्संग भवन की बालकनी में बाबा जी की भांति विराजमान हो जाते और संगतें दर्शन पाकर खुशी से निहाल हो जाती। भक्तजन मसूरी की इन वादियों में कभी सद्गुरु बाबा जी के साथ बिताए पलों को याद कर उदास हो जाते, तो कभी सद्गुरु माता जी का सहारा पाकर हर्ष से फूले न समाते और शुक्राने के गीत गाकर अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते। जब आसमान पर चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक कर आसमान को रोशन करने का प्रयास करता, तो मसूरी की धरती के इस टुकड़े पर सद्गुरु माता जी अपने भक्तों के अंधेरे मनों में रहमतों की रोशनी बरसा रहे होते थे। इस कल्याण यात्रा के दौरान प्रत्येक रविवार को सद्गुरु माता जी की छत्र छाया में मसूरी सत्संग भवन के हॉल में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा। इस सत्संग कार्यक्रम में उत्तराखंड के दूर दराज के अनेक प्रांतों से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन होता था और अनेक भाषाओं में भक्ति भरे गीत, भावपूर्ण व्याख्यान और प्रेरणादायक कविताओं का प्रवाह देर तक चलता रहता। लंबी लंबी कतारों में भक्तजन सद्गुरु माता जी के पावन चरणों में झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते और करुणामयी सद्गुरु माता जी घंटों बैठकर भक्तों को अपनी पावन कृपा से निहाल करते रहते। सत्संग कार्यक्रम के अंत में भक्तों को कभी स्क्रीन पर चलाए जाने वाले बाबा जी के प्रवचनों का तो कभी सद्गुरु माता जी के पावन आशीर्वचनों का आनंद प्राप्त होता रहा। सत्संग जी, बचपन से ही मसूरी में तकरीबन हर वर्ष आने का मौका मिल रहा है। पहले मम्मी जी और डैडी जी के साथ शहनशाह जी के पास गर्मियों की छुट्टियों में समय बिताने का मौका मिलता था। उसके बाद हॉस्टल में जब यहाँ पे क्लास 5 में पढ़ाई शुरू हुई, तो महीने में एक वीकेंड जब घर आना अलाउड होता था तो यहाँ शहनशाह जी के पास आना और हमेशा ही उनसे भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा। फिर बाबा जी के साथ तो कोई वर्ष ही शायद ऐसा गया हो जब यहाँ ना आए हों। आप सब महापुरुषों को मसूरी में बाबा जी से अनेकों रूपों में रहमतें और प्यार मिला, चाहे वो सुबह वॉलीबॉल हो या पिकनिक्स हों, ट्रैकिंग्स हों, या जो रौनक लगती थी इधर, सबको बाबा जी से भरपूर प्यार मिला और सबके दिलों में एक छाप छोड़ी। और एक पिता का जैसे परिवार के साथ प्यार होता है, बाबा जी ने सारी संगत को उससे भी ज़्यादा प्यार दिया। ये जो बाबा जी ने हमें अटूट प्यार दिया, रहमतें दी, ये सब हमने अपने कर्मों के द्वारा इस दुनिया के कोने कोने में इसको पहुँचाना है और सबको प्यार देना है। इन दिनों मसूरी की वादियों में घने बादल छाए हुए थे और कभी सत्संग में तो कभी सद्गुरु माता जी के नमस्कार के दौरान ये बादल घनघोर बरसात का रूप लेकर बरस पड़ते, परंतु बारिश में भी भक्तों का उत्साह और प्रबल हो जाता। सेवा दल के भाई बहन सद्गुरु माता जी की कृपा से बड़ी लगन और उत्साह पूर्वक आए हुए भक्तों के लिए लंगर तैयार करते और प्रेम पूर्वक वितरित कर रहे थे।
इसी प्रकार सेवा दल के भाई बहन रोज सुबह मसूरी भवन के आसपास और कैमल बाइक रोड यानी निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी मार्ग की सफाई के साथ ही अनेक व्यवस्थाओं को भी संभाल रहे थे। बाबा जी की याद मसूरी के जर्रे जर्रे में बसी हुई है। आए हुए भक्तजन जहां बाबा जी की यादों को जी रहे थे, वहीं सद्गुरु माता जी की रहमतों से निहाल हो रहे थे। इन भक्तों को जब न्यूज डिवाइन से अपनी भावनाएं साझा करने का अवसर मिला तो कुछ इस प्रकार से भाव आए। मसूरी का क्या कहें, जो बाबा जी का इतना प्यार, एक एक कण इनकी याद दिला रही है। इन्होंने तो हमें इतना प्यार दिया, इतना लाड़ दिया, शायद हमारे पेरेंट्स भी इतना ना दे पाते हों। इतना प्यार दिया है, इनको हम भुला नहीं सकते। बाबा जी की याद तो हमेशा हमारे साथ है। और सतगुरु बाबा 36 साल तक यही संदेश देते रहे सच्चाई का, कि इंसान एक परमात्मा की जानकारी करके अपने जीवन को संवार लो। यहाँ पे आगे ऐसा फील होता है कि हमने जैसे दुनिया की हर एक चीज हमें मिल गई हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माता जी इतना प्यार हमें दे रहे हैं। यहाँ पे जब हम एंटर करे थे मंसूरी में, तो मैंने देखा वो बाबा जी की यादें, वो प्यार, सब कुछ ऐसे दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम जब माता जी को देखा तो वही दिख रहा था कि जो बाबा जी हमें प्यार दे रहे थे, माता जी उससे बढ़ के भी हमें प्यार दे रहे हैं। जो बाबा जी हैं वो माता जी के अंदर प्रकट हो गए हैं। माता जी सानू पूर्ण सत्कार प्यार बाबा जी वांगी दे रहे हैं। सतगुरु मौजूद है, हमें अपना विश्वास दृढ़ करने की जरूरत है। आशीर्वाद मांगे और दृढ़ हो जाए इनके चरणों पे। निरंकारी भक्तजनों का जीवन तो बाबा जी और सद्गुरु माता जी की रहमतों से भरा ही है, लेकिन साथ ही मसूरी के स्थानीय निवासी भी, चाहे वो दुकानदार हों या यहाँ के सीनियर सिटीजन, आज भी बाबा जी के पावन प्रेम और परोपकार से ओतप्रोत हैं। बाबा जी के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा। जब भी वो मसूरी आते थे उनसे मुलाकात तो 10-20 बार होती थी, और वो उनकी कुछ हमारी संस्था पे हमारे ऊपर ऐसी कृपा भी थी कि वो कई बार मैसेज देख भी हमें बुला लिया करते थे कि बहुत दिन हो गए भाई, इनके साथ मुलाकात नहीं हुई, इन्हें बुलाइए और बैठ करके थोड़ी वार्ता की जाए। और वार्ता के बाद जैसे उनका आतिथ्य सत्कार सबको प्राप्त होता था, उसका हमने बहुत बार फ़ायदा उठाया। उनके द्वारा जो उन्होंने अपने को समाज में जगह बनाई या हमारे दिलों में जगह बनाई, वो अपनी सेवा के द्वारा बनाई। मेरा नाम नीलम है, चिक चॉकलेट मसूरी से, और पहली बार है कि बाबा जी समझ में नहीं आए हैं और मैं उनको बहुत मिस करा। उनको जब से सुना वो इस दुनिया में नहीं है, हम उनको याद ही करते रहते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं, अलग नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक उनकी प्रेजेंस जो थी, फिजिकल प्रेजेंस, वो बहुत मिस करी इस बार। 13 मई को बाबा जी की जैसे हमने न्यूज़ सुनी तो जितना अफसोस हमारे मेरे को अभी तक अपने पिताजी के जाने का, उतना ही अफसोस उनका भी है कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। पर साक्षात रूप में मैं अभी भी उनको देखता हूँ यहाँ पे, कि मेरे दुकान में है, मेरे घर में वो बैठे हैं, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान स्वरूप थे। वो अब माता जी को हम उस रूप से उनको देखते हैं। मसूरी में रहते हुए बाबा हरदेव सिंह जी के साथ अक्सर मुलाकात हो जाती थी, हम लोग सैर करते हुए उनसे मिलते थे, और उनके साथ ही निरंकारी मिशन से भी हमारा जुड़ना हुआ और अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती थी। हम लोगों ने उनको एक अत्यंत ही सुहृद व्यक्ति के रूप में जाना है, जिनका हमेशा प्रयास रहा है कि सब के काम किए जाए। अक्सर हाथ मिलाकर बात करते थे हमारे से, वो कहते थे बाली जी आप कैसे हैं। इस प्रकार मसूरी कल्याण यात्रा का प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल बाबा जी की यादों और सद्गुरु माता जी की रहमतों से भरा हुआ है। इसकी अगली रिपोर्ट हम देखेंगे न्यूज डिवाइन के अगस्त महीने के एपिसोड में। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल रिटर्न विद मोर न्यूज ऑफ दिस मंथ, स्टे ट्यून्ड। वॉइस डिवाइन और भक्ति संगीत सुनना हुआ अब और आसान, अपने एंड्रॉइड फोन से पॉडकास्ट प्लेयर castbox.fm ऐप डाउनलोड कीजिए और पुराने नए हर प्रकार के वॉइस डिवाइन और भक्ति संगीत के एपिसोड सुनते रहिए। चिल्ड्रन आर नॉट थिंग्स टू बी मोल्डेड बट पीपल टू बी अनफोल्डेड। विद दिस विजन ऑफ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, वी प्रेजेंट अ शो फॉर द किड्स बाय द किड्स, अ प्लेटफॉर्म वेयर दे विल रीएक्सप्लोर, reinvent and learn with human values to be the change makers for a better world ahead. तो आइए
हर महीने इस मस्ती की झलकी से सीखें और सिखाएं। वेलकम बैक व्यूअर्स, विद द ब्लेसिंग ऑफ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, टुडे मिशन हैज मोर देन 2000 ब्रांचेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड इन नेपाल एंड गल्फ कंट्रीज विच आर नोन फॉर देयर मोस्ट कंजर्वेटिव आउटलुक टुवर्ड्स रिलीजन। हैंड्स मस्ट बी ओपन, हैंड्स कैन नॉट बी शेकन विद क्लोज फिस्ट्स। विद दिस आई ओपनिंग रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट देर इज अ नीड फॉर ब्रॉड माइंडेडनेस, Peace must be established in real sense instead of merely talking about it. Saints overseas and especially youth under the guidance of Sadhguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj are putting endless efforts to make sure that the teachings of the mission should reach every nook and corner. So, let us look at the news under our next section, Mission Overseas. Among the various philanthropic efforts of the Sant Nirankari Mission, a Blood Donation Camp was organized at Indiana branch of S&M, USA. A Sufi Sangeet Night was also organized on 9th of June at the S&M Center, Chantilly, Virginia, in Washington, D.C. metropolitan area. A Humanist Festival was organized at the Center for Oneness, Toronto, Canada, celebrating 150 years of Canada, along with spreading the message of mission on June 3rd, 2017. Nirankari Mission Toronto celebrated Canada's 150th anniversary in the form of a Humanness Festival in conjunction with the Norville on Credit community on this bright sunny day of June 3rd. It is a celebration of the Canadian values of multiculturalism, unity in diversity, mutual love, and goodwill towards all. The mission opened its doors to the entire community and welcomed people from every walk of life to join them at the fun-filled day, which highlighted the values and virtues one should live by every day. Well, thank you so much once again for having me here. And I think I was just looking back at this picture, and this picture really captures what diversity and what living and harmony, what truly entails, and truly the values of this mission, how the members of this mission can contribute. They're already doing so much for the community. I think you start within your own community, and that's truly the beauty of the Nirankari mission. Some of the key events that took place during the festival were a special performance by the tabla fusionist Shobit Banwar, East Indian dances displaying diversity, a humanness festival focused on the teachings of Sadhguru. I would love to come every year to this festival. It's amazing and I love it. My family loving it. I love it. Yeah, it's amazing. Very interesting and you know, very multicultural. I really like that. कनाडा की वैल्यूज़ देखें ना कि यहाँ पे जितने हम डिफरेंट कल्चर के लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होके डिफरेंट हम लोग एक्टिविटीज़ में यहाँ पार्टिसिपेट करें, ये सिर्फ मुझे लगता है कि कनाडा में ही पॉसिबल है. We all believe in humanness. And the values of Canada are of those of unity and diversity, of a mutual goodwill, peaceful coexistence. They blend exactly to what the mission is. To keep the community engaged even further, a bunch of physical activities were also organized. People from all different age groups and genders took part in several games that were hosted in the grounds. These games displayed an example of sportsmanship and teamwork within all. A free kite flying workshop, a free virtual reality booth, and free vegetarian food made by the volunteers and served with love to all. On 14th of June, a mishap occurred when a huge fire broke out in a residential tower in London. Among many other volunteers and organizations who came forward to help the affected brothers and sisters, the Sant Nirankari Mission branch in UK also came forward in support and relief. Let's take a look at this report.
The Satnagari Mission were one of many volunteers who have helped and shown support to the victims as well as those affected by this incident. The notion of oneness echoes the streets of London. The UAE branch of the Sant Nirankari Mission organized a Bal Samagam on the 16th of June 2017. Here is the report. बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यूएई में 16 जून को बाल समागम का आयोजन हुआ। यूएई के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 100 बच्चों ने गीत, विचार, कवि दरबार और लघु नाटक द्वारा सद्गुरु के पैगाम और नए युग के अनुभव को प्रस्तुत किया। अंधकार से प्रकाश की ओर एक सफर के द्वारा। साथ ही साथ बच्चों ने सद्गुरु माता जी के दिखाए मार्ग पर भी अमल करने का आशीर्वाद मांगा। सद्गुरु माता जी के प्रवचनों में गॉडफिडेंस शब्द सुना। माता जी ने कहा कि जो गुरसिख निरंकार के ऊपर विश्वास रखे और इसके ऊपर अपने आप को समर्पित करे उसे गॉडफिडेंस कहते हैं। ये थी एक रिपोर्ट दूर देशों के बारे में और अब समय है संत निरंकारी मिशन की सोशल एक्टिविटीज के बारे में जानने का। Mission has made a mark in the field of healthcare with 4 hospitals in Delhi, Kolkata, Chennai and Agra, 137 dispensaries and 10 pathological laboratories across the country all functioning on the charitable basis. It also has 79 tailoring and embroidery training centers in Delhi and other parts of the country for the benefits of needy women. As far as education is concerned, there are 24 schools and a college to provide quality education to people who normally find education out of their reach due to financial constraints. Here is a report of various activities carried out by SNCF last month under our next section, SNCF Diary. सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जून महीने में भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सामाजिक व आध्यात्मिक कार्य किए गए। रक्तदान की श्रृंखला में देश विदेशों में बड़ी तादाद में रक्तदान कर मानवता के नाम संदेश दिया गया। जहां ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए उनमें मुख्य स्थान रहे अभोर, गोधरा, गोरेगांव, पुणे, रायपुर, सिक्किम, जम्मू व भोपाल के अलावा दिल्ली में भी भिन्न भिन्न स्थानों में लगाए गए। जहाँ निरंकारी भक्तों द्वारा रक्तदान कर जनमानस को प्रेरित किया गया, वहीं मिशन के सेवा दल व SNCF के वॉलंटियर्स ने जागरूकता रैली के माध्यम से भी लोगों को रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित किया। और साथ ही 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अवसर पर मिशन व SNCF के सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। 8 जून को SNCF द्वारा एक अस्थमा मेडिसिन कैंप हैदराबाद में लगाया गया, जहां मिशन के सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा इस सामाजिक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दिया और लोगों ने भी बड़ी मात्रा में यहां पहुंचकर इसका लाभ उठाया। अर्बन सैनिटेशन हुरे अवार्ड फॉर 2017 हैज बीन गिवन टू SNCF इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सीलेंट वर्क डन टुवर्ड्स सैनिटेशन टू प्रोवाइड अ क्लीन एटमॉस्फेयर स्पेशली एट 46 रेलवे स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। बिगनिंग फ्रॉम 2 अक्टूबर 2015 विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ संत निरंकारी सेवा दल एंड SNCF वॉलंटियर्स This year, on 63rd birth anniversary of Nirankari Baba Hardev Singh Ji Maharaj, SNCF cleaned 263 railway stations across the country, and the award was received by Reverend Bindya Chhabra Ji, Executive President, SNCF, along with foundation members on 9th June at Hotel Lee Meridian, New Delhi. Antarrashtriya Yog Divas par 21 June ko, jahan pure desh videsh mein Yoga Day manaya gaya, वहीं SNCF द्वारा भी फरीदाबाद, मुरादाबाद व अशोक विहार दिल्ली में देश के अलग अलग स्थानों सहित विदेशों में भी आयोजित किया गया, जिसमें हर उम्र के लोगों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक से भाग लिया। साथ ही SNCF द्वारा स्टॉल लगाकर मिशन की पत्रिका वितरित कर लोगों को मिशन से व SNCF के सामाजिक कार्यों से अवगत कराया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्वतीय स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखने और सवारने की पहल करते हुए संत निरंकारी मिशन की ओर से सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के मार्गदर्शन में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा देश के 8 पर्वतीय स्थलों पर वृक्षारोपण तथा सफाई अभियान चलाया गया। ये स्थान रहे उत्तराखंड में मसूरी, ऋषिकेश तथा नैनीताल, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली तथा डलहौजी, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर और सिक्किम में गंगटोक प्रमुख रहे।
इस अभियान का उद्देश्य था जन सामान्य को प्रकृति से जोड़ना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इन स्थलों में मुख्य रही पहाड़ों की रानी मसूरी। यहाँ पर सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की गरिमामयी उपस्थिति में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से वृक्षारोपण और सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई SNCF की कार्यकारिणी अध्यक्ष बिंदिया छाबड़ा जी द्वारा की गई। 5 जून को सुबह लगभग 8 बजे गढ़वाल ट्रेस माल रोड पर हजारों की संख्या में SNCF के वॉलंटियर्स और निरंकारी भक्त एकत्रित हुए। अरे सदगुरु बाबा जी का जो सपना था वो साकार में जी के दिखाना है और 36 साल तक बाबा जी हमारे को समझाए थे, जीवन में प्रेरणा एक एक बात का महत्व देते थे कि हम अपने लिए नहीं जिए, दूसरे के लिए जिए। प्रदूषण चाहे अंदर चाहे बाहर दोनों हानिकार होता है। आज जो ह्यूमन चेन बनाई जा रही है, मानव का मानव से हाथ मिलवाया जा रहा है, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि प्रदूषण हमारे एनवायरमेंट में तो बहुत हो ही चुका है, हमारे मनों के अंदर भी जो एनवायरमेंट हमारे मनों का जो प्रदूषित हो गया है वैर से, भ्रम से, ईर्ष्या से, उससे भी हम पार पा सकें, मानव का मानव से हाथ मिले और हम मिलजुल कर इस धरती को सुंदर और स्वर्ग बनाएं। आज पर्यावरण दिवस के इस मौके पर संत निरंकारी मिशन का यही मानवता के नाम संदेश है। ये सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, सो ये प्रेरणा हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से हमें मिली है। 50 के दशक से ही निरंकारी मिशन के सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी से लेकर अब सतगुरु सविंदर हरदेव जी तक चारों पातशाहियाँ यहाँ आ रहे हैं और समय समय पर जहाँ मानवता को जगा रहे हैं, ईश्वर के प्रति जागृति दे रहे हैं, वहीं समाज की सेवा के प्रति पूरे समाज को, मानवता को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी का एक सपना था कि मसूरी के पहचान निरंकारी मिशन के रूप में बने। मुख्य अतिथि के रूप में मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह मल उपस्थित थे। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप जो है विभिन्न शहरों में आज पर्यावरण दिवस में काम करते हैं और उसी कड़ी में आज मसूरी में विगत कई वर्षों से इस शहर की सुंदरता को कायम रखने के लिए आपके वॉलंटियर्स और आपकी जो फाउंडेशन के सभी साथियों की जो सोच है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही आज सदगुरु माता जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आज मसूरी आए, मैं उसके लिए भी उनको साधुवाद अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर SNCF के वॉलंटियर्स, सेवा दल के सदस्यों द्वारा तथा मिशन के श्रद्धालुओं ने मिलकर लगभग 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर जहां समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया, वहीं लगन व निष्काम भाव से वृक्षारोपण कर मसूरी के कोने कोने की सफाई की। इस अवसर पर मसूरी के माल रोड स्थित झूलाघर पर मिशन के आदर्शों और SNCF की गतिविधियों को कीर्ति एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन कर कमलों द्वारा किया गया। मसूरी के अलावा ये वृक्षारोपण और सफाई अभियान ऋषिकेश, नैनीताल, शिमला, मनाली, डलहौजी, महाबलेश्वर और गैंगटॉक में भी चलाया गया। ये महाबलेश्वर स्वच्छ राहव, सुंदर राहव आणि पर्यावरणाचा समतोल राखावा म्हणून आपल्या संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या वतीनं जे आज अतिशय चांगलं पाऊल उचललं गेलेलं आहे आणि महाबळेश्वरपासून सुरुवात जी करण्यात आलेली आहे त्याबद्दल मी खरंच आपल्या ट्रस्टचा मनापासून आभार व्यक्त करतो। तर निरंकारी बाबांची जी ट्रस्ट आहे ही वारंवार चांगले चांगले कार्यक्रम आयोजित करते आणि जे रस्त्याची स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण हे जे सतत यांचं कार्य चालू असतं, जे संत निरंकारी बाबा हे खूप सगळ्यांच्या मनामध्ये बसलेले आहे। इस वृक्षारोपण व स्वच्छता की मुहिम में अनेक गणमान्य सज्जनों ने भी पहुंचकर मिशन व SNCF के कार्यों की प्रशंसा की, साथ ही स्वयं वृक्ष लगाकर व सफाई करके भी सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स का उत्साह बढ़ाया और इन स्थानों पर निरंकारी भक्तों और SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा विधिवत रूप से सफाई की गई तथा पेड़ लगाए गए और साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया।
तथा नुक्कड़ नाटक का मंचन कर रोचक ढंग से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर लगभग सभी स्थानों पर निरंकारी मिशन के आदर्शों और SNCF की गतिविधियों को कीर्ति प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका निरंकारी भक्तों सहित अनेक आगंतुकों ने अवलोकन कर लाभ उठाया। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वॉइस डिवाइन और भक्ति संगीत सुनना हुआ अब और आसान। अपने एंड्रॉइड फोन से पॉडकास्ट प्लेयर castbox.fm ऐप डाउनलोड कीजिए और पुराने नए हर प्रकार के वॉइस डिवाइन और भक्ति संगीत के एपिसोड सुनते रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, यानी एक खास मुलाकात। एक खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री OP उनियाल जी से। आप मसूरी नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। सुना है कि आप बहुत काफी सालों से आप मिशन से जुड़े हुए हैं, तो आज हम आपसे आपके विचार जानेंगे। मिशन से हमारा जुड़ाव करीब 25 साल से ऊपर हो चुका है और हमारा मिशन से ही नहीं बल्कि एक परिवार की तरह इसमें जुड़ाव रहा है, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जो जब भी हो संभाला अभी, मुझे लगा कि ऐसा मिशन जो सचमुच में धरातल पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल आखिरी लाइन पे खड़ा उसके लिए काम कर सकता है, ऐसा मिशन मैंने पहली बार देखा है। मसूरी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत धर्मार्थ लोग आते हैं, बहुत जो यहाँ पर बड़े उसके लोग हैं वो आते हैं, मगर उनका कोई लेना देना मसूरी से नहीं होता है। जो निरंकारी मिशन ने अपना कार्य यहाँ पर किया, यही नहीं बल्कि आप ऑल ओवर उत्तराखंड चले जाइए, पूरे उत्तराखंड में या पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत में कहीं भी किसी कोने में चले जाए, मैं समझता हूँ कि निरंकारी मिशन का अपना एक महत्व है, अपना एक काम है। बाबा हरदीप सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ, आज उस ईश्वर के चरणों में जहाँ भी हुए हैं, जिस तरीके से उनका कार्य पूरे समाज के लिए रहा, वो यहाँ प्रवास में कम और लोगों के बीच में ज़्यादा रहते थे। यहाँ की जो लोगों की समस्याएं थी, चाहे किसी भी तरीके के, जब भी हमने उनसे अनुरोध किया कि हमें यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, हरदीप सिंह जी, बाबा हरदीप सिंह जी ने एक सेकंड का देर नहीं लगाया। आज माता जी हमारे बीच में है, माता जी का भी ध्यान इसी तरीके से है जिस तरीके से बाबा हरदीप जी का रहता था, चारों तरफ सब लोगों से मिलना, प्यार से मिलना, यहाँ पर रहना, यहाँ की समस्याएँ पूछना। आप ये देखेंगे कैमल्स बैक रोड पूरा इतना साफ सुथरा सुंदर बना के रखा हुआ है, इतने अनुशासन प्रिय मैंने ये मिशन देखा है। मैंने ऐसा मिशन कहीं नहीं देखा जहां हर जगह भीड़ भड़ाका है, पैसे की तरफ ध्यान है भागने का, मगर इनका ध्यान बजाय उसके एक जनहित में ज़्यादा है, लोगों में, वो मनुष्य में, एक प्रत्येक इंसान में भगवान को देखते हैं। यही सच्चे बड़ी श्रद्धा और सेवा ईश्वर की है जो बाबा जी हमें बता के गए हैं। ऐसी माता जी का भी वही ध्येय शहर के लिए है और जिस तरीके से इस शहर के लिए उनका और इस उत्तराखंड के लिए उनका ध्यान है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से मिशन दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ता रहे। उनियाल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, न्यूज डिवाइन में एक खास मुलाकात कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी ने कहा है, कहीं पर उजाला करना हो तो वहां पर केवल उजाला करने की जरूरत होती है, अंधकार के विरोध या खंडन करने की नहीं। इसी प्रकार सच्चाई को प्रकट करने के लिए भी सत्य को प्रकट करने की जरूरत होती है, झूठ के विरोध में उलझने की नहीं। ऐसी विशाल विचारधारा के अंतर्गत मानवता का भला करने के प्रयास में मिशन की तरफ से अन्य गतिविधियों का ब्यौरा हम आप तक लाए हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन अदर न्यूज में। निरंकारी मिशन के संदेशों के प्रचार प्रसार हेतु मिशन के प्रचार विभाग की ओर से बच्चों के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हेतु चलाए जाने वाली बाल समागमों की लड़ी जून के महीने में चलती रही।
इसी श्रृंखला में 24 जून को दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में पूज्य बहन रेणुका जी के मार्गदर्शन में एक विशाल बाल समागम आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली व ग्रेटर दिल्ली के बाल संगतों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस समागम में बच्चों ने अवतार बानी पाठ, लघु नाटिका, सामूहिक गान, कविता पाठ और प्रेरणादायक व्याख्यानों के द्वारा सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। सासंगत, आपने देखा होगा कि आप कहीं भी किसी भी मॉल में चले जाते हैं तो वहां पर बोर्ड होता है और उस बोर्ड पे लिखा होता है आप इस वक्त कैमरे की निगरानी में हैं। तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाता है और हम डिसिप्लिन से चलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कैमरे में हमारी कोई कमी ना दिखे। तो सत्संग जी, लेकिन उस मनुष्य को ये नहीं पता कि वो कब से इस निरंकार के कैमरे की निगरानी में है। खुशी हर पल मिलेगी मोहब्बत करके देखो, खुशी हर पल मिलेगी मोहब्बत करके देखो, जिंदगी झूम उठेगी इबादत करके देखो। इस अवसर पर बहन रेणुका जी ने अपने विचारों में बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आजकल सब बच्चे करियर ओरिएंटेड हैं और इतना अपने पढ़ाई लिखाई अपने टैलेंट्स में आगे दुनिया में बढ़ रहे हैं, पर हमेशा याद रखें कि जो स्रोत है, जो रूट है, जो नींव है, वो ये बाल संगत है। और जब तक ये नींव स्ट्रॉन्ग रहेगी, हमारे जो हमने यहाँ से सीखा है वो हमारे अंदर इम्बाइब रहेगा, तब तक दुनिया का कोई भी कंपटीशन हम नहीं हारेंगे। अंत में बस एक शायर का शेर याद आ रहा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप जी बख्शिश करो कि हम हर कोई, ईच वन ऑफ अस कैन बी द रीज़न टू स्प्रेड मिलियंस ऑफ स्माइल्स। तो दोस्तों, जहां बाल समागम का जिक्र हो रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस बाल समागम पर विशेष तौर से एक बाल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें निरंकारी मिशन की एक रूपरेखा, गतिविधियां, हिस्ट्री, इतिहास, दर्शन शास्त्र, आइडियोलॉजी, इन सभी को बताया गया है। और सभी के सभी चित्र और मॉडल्स बच्चों के द्वारा, दिल्ली और ग्रेटर दिल्ली के बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ बाल प्रदर्शनी को देखने के लिए आज बहुत सारे बहन भाई बच्चे सभी आए हैं, और यहाँ स्नेहलता भी हमारे साथ हैं, जो निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स में या निरंकारी सत्संग में ही पहली बार आई हैं। और स्नेहलता, आपका स्वागत है। आपने यहाँ बाल प्रदर्शनी में आप आए और अपने परिवार के कुछ बच्चों के साथ आए हैं, तो बताएं आप, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ के, मैं खुश हूँ और मतलब यहाँ कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैसी बातें सीखने को मिली? मतलब बच्चों को भी मोटिवेट करें और मैं अंदर जो कमियां हैं उनको भी दूर करूं और मतलब अच्छा से अच्छा व्यवहार करूं हर किसी के साथ। तो अब आपको लगता है कि ये देखने के बाद आप अपने बच्चों को निरंकारी सत्संग में भेजेंगी? यस, ऑफ कोर्स भेजूंगी। मेरा नाम वंदिता है। वंदिता, आप बाल संगत में जाती हैं? हाँ जी। और बाल संगत में आकर के आप क्या सीखती हैं? बाल संगत में आकर हम वननेस सीखते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और हमें इतनी सारी सीखें मिलती है जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना पाते। और आप अपना नाम बताएं? मेरा नाम पावन है। पावन, आप बताइए क्या सीखते हैं और आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव हो सकती है संगत में आने से? संगत में आने से हमें एक बहुत ही अच्छे इंसान होने का फील होता है, बाहर की सारी गंदगी छूट जाती है, हम संगत आके अच्छे गुरसिक बन सकते हैं। आपको क्या सीखने को यहाँ पर मिला? मुझे नॉलेज मिलती है, हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाता है। पूछते हैं सभी हमसे बात यही, तेरी महफिल में आने से क्या फायदा, एक सजदा करो और ये देखो खुदा, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। दिल्ली के अलावा ये बाल समागम इंदौर, केरला, चरखी दादरी, मुंबई, शिमला, इलाहाबाद, वाराणसी,
श्रीगंगानगर, फरीदाबाद, अहमदाबाद और लखनऊ सहित देश भर में अनेक स्थानों पर आयोजित किए गए, जिसमें भरपूर संख्या में बच्चों ने भाग लिया और विभिन्न रोचक प्रस्तुतियों के माध्यम से जहां अपने भाव प्रकट किए, वहीं आध्यात्मिकता का संदेश भी दिया। 25 जून को करनाल में निरंकारी भवन से हांसी रोड तक जाने वाली सड़क का नाम निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के नाम पर रखा गया। इसी प्रकार जून के ही महीने में 26, 28 व 30 तारीख को हिमाचल प्रदेश में 3 अलग अलग स्थानों पर अकाउंट ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए गए, जिसमें सरकार द्वारा लागू किए गए GST बिल के नए प्रावधानों के बारे में बताया गया। साथ ही लेखा संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए संत निरंकारी मंडल द्वारा लागू अकाउंट मैनुअल और आचार संहिता के नियम और कायदों के अनुसार कार्य करने के पहलुओं पर भी जोर दिया गया। 4 जून को मुंबई के चैम्बूर सत्संग भवन पर मुंबई जोन की ओर से कैरियर गाइडेंस कैंप लगाया गया, जिसमें 700 से भी अधिक छात्र और उनके अभिभावक उपस्थित हुए। इस शिविर में छात्रों को 10वीं एवं 12वीं के बाद चयन करने योग्य विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसका उपस्थित छात्रों और अभिभावकों ने भरपूर लाभ उठाया। This was our humble effort to bring to you the activities of Sant Nirankari Mission in the month of June through this episode of News Divine. Please help us improve by writing to us at www.nirankari.org and newsdivine@nirankari.org. We will be back with more news on 10th of next month. Till then, from all of us in the News Divine team, Namaskar, Dhan Nirankar.